नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर विकासखंड की देई का नौर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर उपायुक्त हमीरपुर तक को गुमराह करने की शिकायत उपायुक्त के दरबार में पहुंची। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर पंचायत प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपायुक्त से न्याय की लगाई गुहार। हमीरपुर में डीआरडीए के भवन के समीप बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से मचा अफरा तफरी का माहौल। ट्रांसफार्मर में आग लगने से लाखों रुपए का बिजली विभाग का हुआ नुकसान। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग हमीरपुर ने पाया आग पर काबू। जिला हमीरपुर में युवा कांग्रेस द्वारा शराब नीति के बदलाव को लेकर निकाली गई रोष रैली। रैली के दौरान लोकसभा हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों ने लिया हिस्सा। सुजानपुर सिविल अस्पताल में आए दिन मरीजों को हो रही परेशानी की शिकायतों के बाद उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेक्टा ने आज सुबह सुजानपुर सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। शिल्पी बेक्टा ने भविष्य में कोताही बरतने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाने की कही बात।